अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज की रेमेडी है बहुत ही यूज़फुल, जिसका यूज़ करके आप अपने बालों को काला बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ पर लेना है एलोवेरा के लीव्स, जिसके अंदर मिनरल्स बहुत ही अच्छी मात्रा में होती हैं और ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं अगर टूटते हैं, झड़ते हैं किसी भी कारण से, उन सारी समस्याओं से हमें निजात मिलता है। आपको एलोवेरा लेना है, उसे अच्छी तरह से बीच में से कट करते हुए ऐसे स्लिट लगाना है, और इसका जो डायमंड आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ये डायमंड आपके बालों पे वर्क करने वाला है। मींस ये जेली कंसिस्टेंसी जो इसकी है, वही मैं उसकी ही बात कर रही हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये एलोवेरा। इसे आप इंटेक भी करिए, इंटरनली भी आपके हेयर को, इंटरनली जाने के बाद भी ये हील करता है, आपके हेयर की ग्रोथ करता है, और बालों के लिए तो बहुत ही रामबाण है ये। एलोवेरा के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऐड करनी है जो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जटामानसी। एलोवेरा को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके एकदम पल्प बना लिया है उसका, और एक बड़े चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पे जटामानसी का यूज़ करना है, जो कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए सबसे बेस्ट है, और प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को ये रिवर्स करने का बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हमने यहाँ पर एलोवेरा के साथ में आंवला पाउडर का यूज़ किया है, जो कि एक से दो बड़े चम्मच आप इसमें ऐड कर लीजिए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। और इसका जो कलर है आप देख सकते हो, ये थोड़ा टाइम लगता है मिक्स करने में, अगर आप मिक्सी ग्राइंडर में करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से हो जाता है। वैसे हम अपने बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाने की अगर बात करें, तो यहाँ पर कॉफ़ी का आप ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्सी ग्राइंडर में ही फिर से इसी तरह से ग्राइंड कर लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अपने बालों पर अगर आपने ऑयलिंग किया है, या फिर बाल अगर आपने धोए नहीं है, फिर भी अब बहुत ही अच्छी से वर्क करने वाला है। कट किए हुए एलोवेरा लीव्स को लेना है, बालों पे इसका एप्लीकेशन लगाना है, रूट से पूरा अच्छी तरह से अपने इसे एक घंटा लगा करके छोड़िए। एक घंटे के बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका नियमित यूज़ करने से, जैसे कि महीने में अगर एक से दो बार भी कर लिया, तो बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा, ये डाई बन करके रेडी हुआ है, और बालों को ये काला करने के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिए इस यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।